अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज तैयार कर लेते हैं मेरे साथ कसूरी तवा प्रॉन फ्राई, एक बेहतरीन सा स्टार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ डिटेल रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 8 से 10 ड्राई रेड चिली ले ली है, 1.5 टेबलस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। इसे ड्राई रोस्ट करके हम एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। देन एक बोल में हम ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 होल लेमन जूस, अ पिंच ऑफ रेड कलर, ये ऑप्शनल है आप इसे स्किप कर सकते हैं, 1/2 कप ऑफ इमली का पानी टैमरिंड वाटर। जो हमने पाउडर तैयार कर लिया था स्टार्टिंग में, उस पाउडर को हम ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पर इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑफ रोस्टेड बेसन। बेसन को हम पहले रोस्ट कर लेंगे एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑफ राइस फ्लावर एंड सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बीच में थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी ऐड करते हुए हम इसके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देन यहाँ पे मैंने ले लिया था 1.5 केजी ऑफ प्रॉन्स। इसे हम अच्छी तरीके से हमारे मसाले में ऐड करके इसे कोट कर लेंगे एंड मैरिनेशन के लिए हम इसे रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे ताकि सारा मसाला हमारे प्रॉन्स पे अटैच हो जाए, लग जाए एंड प्रॉन्स एकदम फ्लेवरफुल हो जाए। देन यहाँ पर एक तवे में मैंने गरम करने रख दिया था ऑयल। एक एक करके हम इसमें हमारे प्रॉन्स प्लेस कर लेंगे एंड दोनों बाजू से गोल्डन फ्राई होने तक हम उसे कुक कर लेंगे। लास्टली सर्व करते टाइम हम ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे इस पर चाट मसाला एंड थोड़ा सा लेमन का जूस। गर्मा गर्म हम इसे सर्व कर लेंगे चटनी के साथ एंड लच्छेदार प्याज के साथ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए। आते रहोगे आपके पास ऐसी और रेसिपीज़ के साथ। बाय द टाइम आप ये स्टार्टर रेसिपी बनाए, खाए एंड एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।